जनाब स्पीकर, सबसे पहले मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने रिक्वेस्ट मेरी को एंटरटेन किया। जनाब स्पीकर, क्वेश्चन नंबर 4986 आंसर में भी टेकन एज रेड। जनाब स्पीकर, मैंने अलिफ जुज में पूछा था कि क्या यह दुरुस्त है कि लाहौर था अब्दुल हकीम मोटरवे खोलने की वजह से तांदलावाला था कंपनी हंसिफ चौक साईवार बरासा कुतुब शाहाना पुल रोड में ट्रैफिक जो है उसे पहले से 4 गुना ज़्यादा बढ़ गई है। तो मैं आपके तवसत से जो पहला सप्लीमेंट्री सवाल ये करना चाहता हूँ जनाब स्पीकर, के वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब ने साहिवाल में अपने विज़िट के दौरान ऐलान फरमाया था कि साहिवाल के अवाम के लिए ये इंटरचेंज कुतुब शाहाना इंटरचेंज बना दिया जाएगा। अब ट्रैफिक भी डिपार्टमेंट ने ख़ुद ये तस्लीम किया है कि ट्रैफिक का फ्लो भी बहुत बढ़ गया है, तो ये इंटरचेंज को अपने वज़ीर आला के हुक्म के मुताबिक और उनके ऐलान के मुताबिक कब तक इस इंटरचेंज से हमें साहिवाल को दिया जाएगा जनाब स्पीकर? ये सड़क एनएचए की सड़क है, उनको रिक्वेस्ट भेज दी गई है, तो मेरे ख्याल जल्दी मैं परसों करके बता दूंगा इनको कि कब तक बनेगा इनका, मैं चेक करके बता सकता हूँ, क्योंकि एनएचए की सड़क है जी। आपने सड़क एनएचए की है जी, तो वहाँ पे पूछना पड़ेगा फेडरल गवर्नमेंट से कि कब तक शुरू कर रहे हैं वो। अच्छा स्पीकर, अगर आप मुझे इजाज़त फरमाएं, अगर आप मेरा सप्लीमेंट्री इसी को पहले को कंसीडर करें सर, कि जनाब टोल टैक्स तो ये खुद ले रहे हैं डिपार्टमेंट हाईवे, कुतुब शाहाना से सर करोड़ों रुपया वसूल कर रहे हैं, और सर वहाँ पे ये जो सड़क है सर एक कातल सड़क बन चुकी है सर, कुतुब शाहाना ब्रिज से लेके मडाली और कंपनी से रोड। टोल टैक्स है ये तो आपका है ना जी? टोल टैक्स हमारा जी। तो फिर फेडरल गवर्नमेंट इंटरचेंज हमने नहीं बनाना जी। हाँ जी, इंटरचेंज हमने नहीं बनाना, सड़क की रिपेयर हम करेंगे। वो मेरे भाई थोड़े लेट आए हैं, मैंने बता चुका हूँ इनको कि अब जिस सड़क से टोल इकट्ठा किया जाएगा वो पैसा से उसी सड़क पर लगाया जाएगा, तो इंशाल्लाह इनके लिए खुशखबरी है कि जल्दी काम हो जाएगा। नहीं, उनको खुशखबरी तो ये है ना कि कब हो जाएगा ये, बस जब सर पैसे इकट्ठे होते हैं जब। हाँ जी, पैसे इकट्ठे टोल टैक्स इकट्ठा होते हैं एक दिन में नहीं होता ना जी, वो किस्तों में देते हैं पैसे, तो साल के आखिर में होगा जी, हर साल के आखिर में। हाँ, लेकिन शुरू कब हो जाएगा जी? अब आया नहीं, नई कलेक्शन जो है ना अब 30 अगर 22 तक होएगी ना जी। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इसमें दिलचस्पी ली, साहिवाल के अवाम के लिए सर दिलचस्पी ली। जनाब स्पीकर, ये 30 नंबर, जनाब स्पीकर मैं आपकी तवज्जो का सर थोड़ी देर तालब हूं सर। जनाब स्पीकर, ये जो कुतुब शाहाना ब्रिज से ये आज नहीं सर ले रहे, जो सर पिछले 4 साल से टोल टैक्स वसूल हो रहा है करोड़ों रुपया सर, सर वो पूछे वो पैसे किधर है सर? और सर इन्होंने खुद ये माना है कि जनाब हाँ ये दुरुस्त है सर, अगर आप ये तवज्जो फरमाएं जनाब स्पीकर, हाँ ये दुरुस्त है कि ये रोड सिंगल है और काफ़ी अरसा पहले तामीर की गई थी, इस रोड पर महकमा M&R हाईवे डिवीजन साहिवाल के हदूद तक मुकम्मल गजीरा साहिवाल फैसलाबाद के हद में काम जारी है, अब इस सड़क को दो रोया करने की ज़रूरत है, ये इस्लामाबाद तक साहिवाल शॉर्टेस्ट वे है। जनाब स्पीकर, ये खुद डिपार्टमेंट अब बेजुज में ये मान रहा है कि ये शॉर्टेस्ट वे भी है और इस पर कभी पैसा नहीं लगाया गया, तो जनाब स्पीकर आप खुद ये पूछ लें कि पिछले 4 साल से जो टोल टैक्स वसूल किया जा रहा है वो कहाँ पे है, और ये जो सिंगल रोड है जो एक कातल सड़क है जनाब स्पीकर, इस पर मडाली शरीफ में दरबार शरीफ से लेके नेकी वाला गाँव सरवर चौक कुतुब शाहाना बहादुर शाह साहिवाल यूनिवर्सिटी कंप्रीहेंसिव स्कूल, जनाब स्पीकर आप इसमें सर्वे करवा लें, रोज वहां पे हादसात होते हैं जनाब स्पीकर, और रोज वहां पे किसी ना किसी की जान अटकी होती है और मौत और जिंदगी वहां पे हर वक्त कश्मकश में रहती है। हाँ जी, इसका क्या जनाब वाले, इनको पता होना चाहिए कि पहले जितने फंड आते थे वो CNW के पास नहीं आते थे, जितनी भी शिप्स इकट्ठी होती थी वो सारी फाइनेंस डिपार्टमेंट जाती थी, हमारा उस पर कोई इख्तियार नहीं था खर्च करने का, लेकिन अब आप कितने जब ये मेहरबानी फरमाई है तो आज के हवाले से फिर आप इसमें एफर्ट करके तो ये करवाएं ना जी। जी वो इंशाल्लाह हो रहा है, और साहिवाल के हद तक मुकम्मल भी हो चुकी है सड़क, उसकी रुपये ठीक हो चुकी है।